अस्सलाम वालेकुम जी आया नू पखैर आले वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ अपने फार्म पे। तो सबसे पहले तो भाइयों सीज़न चलने वाला है लोकाट का, खट्टे हैं अभी तो क्योंकि सीज़न स्टार्ट हुआ है। मेरे इलाके की मशहूर चीज़ों में एक चीज़ यहाँ के लोकाट हैं, तो कुछ दिन तक इनका सीज़न अरूज पे होगा और चलें आपको चेक कराता हूँ इनका पौधे लुकाट के। माशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा फल लगा है इनके साथ, ये देखें बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। अभी क्योंकि तकरीबन मार्च के एंड में और अप्रैल के स्टार्ट में तकरीबन ये सीज़न अरूज पे होता है इसका। ये आप गंदम देखें हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है। और सामने ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं जिन पे खूबसूरत खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल हैं, ये तमाम खुबानियों के दरख्त हैं। एक तरतीब से एक लाइन में लगे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये, और उससे भी प्यारे तब लगते हैं जब इन पे खूबसूरत खूबसूरत फल आ जाते हैं। ये देखिए आप गंदम चेक करें, शाम का वक्त हो गया है, अंधेरा हो रहा है अब तो रोशनी ज़रा कम है, लेकिन आप इस जगह की ब्यूटी चेक करें। शाम के वक्त ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है जब यहाँ पे परिंदों की मज़े मज़े की सुरीली आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, तो इंसान को बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए आप गंदम का खेत, साथ में पौधे, पीछे पहाड़, खूबसूरत मंज़र। ये देखें आप खूबसूरत खेत मेरे पीछे और खूबसूरत खूबसूरत दरख्त माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे दरख्त। आपको चेक कराता हूँ, ये देखें कितने प्यारे फूल हैं, बहार की आमद आमद माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे फूल। शाम का वक्त, खूबसूरत मंजर, ये देखें आप। तो गर्मियों में तो यहाँ पे आना बहुत ही मज़ा आता है, इंसान पूरा दिन गर्मी होती है धूप होती है, शाम को बंदा जब यहाँ आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडी हवाएं, परिंदों की आवाज़ें, साफ़ सुथरा माहौल और ये खूबसूरती। अभी क्योंकि सूरज ग़ुरूब हो रहा है इस वजह से रोशनी ज़रा कम है, वरना बहुत ही प्यारी जगह है। देखिए आप गाइस, ये देखें ये दूसरी तरफ आ गया हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे आड़ू के खुबानियों के आलू बुखारे के दरख्त हैं और साथ साथ यहाँ पे कुछ गुलाब के दरख्त पौधे भी हैं। ये देखें कितने प्यारे सफ़ेद मोतियों की तरह फूल खिले हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखें और भी पौधे, और ये पीटर लगा हुआ है हमारा, साथ में टंकी बनी हुई है, और ये सारे सीन्स हैं यहाँ आगे पौधे और बीच में रास्ते, दोनों साइडों पे खूबसूरत खूबसूरत पौधे। देखें फूल, शाम का वक्त हो गया, थोड़ा अंधेरा होने लग पड़ा है। ये गुलाब के पौधे हैं, इनके साथ गुलाब वगैरह लगे हुए हैं, ये सब। बहुत ही खूबसूरत लगता है इंसान को। ये देखें, ये देखें जी गुलाब के फूल, सुर्ख गुलाब,
और इनके अंदर से अर्के गुलाब निकलता है। ये वो वाले हैं, स्पेशल किस्म के गुलाब के फूल हैं ये। और ये यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं अभी, क्योंकि मौसम आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खिल रहे हैं। ये देखें उधर भी खिले हुए हैं और कुछ यहाँ पे भी हैं। इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, देखने में तो ये काफ़ी छोटे लगेंगे लेकिन इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये कुछ प्याज लगी हुई है नीचे और साथ में गुलाब के फूल, आड़ू का दरख्त, माशाल्लाह कितने सारे आड़ू हैं देखें आप, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये देखें जी ये फूल, आप जानते होंगे इस फूल को, मैं नाम नहीं लूंगा, कितना प्यारा है जी। पालक कटी हुई पड़ी है और यहाँ पे शलगम बिल्कुल ताज़े, और पालक इधर भी खेत में सारी पालक मौजूद है। दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह किसी नई जगह पे नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़र होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।